हरी सराय यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पर वीडियो किस तरीके से अपलोड की जाती है, क्योंकि जो मैंने देखा है कि जो मेरे व्यूवर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो भी सिंपली कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं। और मैंने जो उनकी जो गलतियां देखी है पर्सनली, तो उसी को देख कर मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि जो मुझे देखने वाले हैं उनको भी कुछ फायदा हो, उनकी भी कुछ नॉलेज बढ़े YouTube को लेकर। तो यार वो क्या गलतियां करते हैं, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में जमा करने की कोशिश की है। और अगर कुछ फिर भी बात रह गई हो, कोई आपके जहन में सवाल हो, तो वो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने लैपटॉप में। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके की मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। तो उसके लिए मुझे चलना होगा लैपटॉप में। तो जैसा कि मैं अपने लैपटॉप में आ गया हूं, और मैंने आपको बताया कि जो मुझे देखने वाले मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी यूट्यूबर हैं, तो वो क्या गलती करते हैं। तो वो सबसे पहली गलती करते हैं कि अपनी वीडियोज यूट्यूब ब्राउजर से अपलोड करते हैं। और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हम टैग्स बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। यानी ये जो टैग का ऑप्शन आता है, जैसे कि मैं अभी एक वीडियो कोई भी एक सेलेक्ट कर लूं, ये मैंने वीडियो सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो यहां पर टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और बस। तो वो टैग का ऑप्शन इसमें आता ही नहीं है। तो सबसे पहले वो यहां पर वीडियो को यहां से YouTube ब्राउजर से अपनी वीडियो को अपलोड बिल्कुल भी ना करें। उनको क्या करना है, अगर उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो वो सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर से वीडियोज को अपलोड किया करें। कि इसमें मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से, ये मेरे मोबाइल की मैंने टेप खुली है और इसमें ये कंप्यूटर वाला पेज खुला हुआ है। तो ये किस तरीके से ओपन होगा, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को खोलें, गूगल क्रोम को, और ये जो थ्री डॉट हैं इन पर क्लिक करके, पहले मैं इनको कोई टैब खोलनी पड़ेगी ताकि वो सेट हो, ये थ्री डॉट पर क्लिक कर उसके बाद ये डेस्कटॉप साइट, इसको जब आप डेस्कटॉप साइट पर सेट कर लेंगे तो फिर जब आप यूट्यूब को खोलेंगे, अब मैं आपके, ये मेरे पास तो बुकमार्क में सेव है, तो मैं आपको खोलकर दिखाता हूं यूट्यूब। तो जब आप यूट्यूब खोलेंगे, ये कंप्यूटर पेज खुलेगा, इसमें कंप्यूटर पेज खुलेगा, ये देख सकते हैं ये कंप्यूटर पेज इसमें खुल रहा है। और आप इसमें सिंपली अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करें इसके अंदर, वो जिस तरीके से गूगल में वो यूट्यूब ब्राउजर में किया हुआ है, तो उसकी तरह यहां पर भी आप अपना अकाउंट को लॉगिन करें। ये मेरा एक सेकंड चैनल है, दूसरा चैनल है, जिसमें मैं अहादीस और नूरानी कायदा भी पढ़ाता हूं। तो अगर आप इसको भी विजिट करना चाहें तो विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना जो वीडियो है वो यहां क्रोम ब्राउजर से अपलोड करें, तो इससे आपको टैग ऐड करने का वो एक मिल ऑप्शन, इसमें आपको टैग ऐड करने का मिल जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा दूं कि मैं कोई एक वीडियो अपनी इसमें से ले लूं, कि ये मैंने वीडियो इसमें ले ली, और यहां आप अपने टैग्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, अपनी वीडियो से रिलेटेड टैग ऐड कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि टैग किस तरीके से आपको चूज कर रहे हैं, कि अपनी वीडियो जो आप अपलोड कर रहे हैं उसके लिए आपको टैग किस तरीके से चूज करने हैं। ये सारा तरीका आप मोबाइल में आराम से कर सकते हैं। अब जैसे आपकी एक वीडियो है कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो सिंपली आप सबसे पहले वीडियो अपलोड करने से पहले टैग आपको तलाश करने हैं, तो मैं आपको उसका तरीका बतलाता हूं।
और आप अपने मोबाइल में एक ट्यूब बडी के नाम से ऐप है, वो भी इंस्टॉल कर लें। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है ट्यूब बडी से, कि जैसे मैंने बताया कि आपको अपनी वीडियो का जो आपका टॉपिक है, जैसे हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो सबसे पहले आपने उसके टैग तलाश करने के इस वीडियो को नेट पर यूट्यूब पर किस तरीके से किस किस तरीके से सर्च किया जाता है। तो आप सिंपली जो इसका टाइटल है हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, तो आप ये सर्च करें। सर्च करेंगे तो सबसे मतलब इतनी ज्यादा इसमें वीडियोस आ जाएंगी, ये जो सब इतनी ज्यादा इसमें वीडियोस आ गई है, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले सर तैमूर की है, फिर उसके बाद ये आसिम अली खोकर इनकी है, और मतलब बहुत ज्यादा वीडियोस यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो ये होते हैं कि हाउ टू क्रिएट, ये जो है ये सारे टैग्स हैं इसके अंदर। तो आप कोई एक, यानी ये जो सबसे ऊपर है, तो समझ लें कि ये सबसे ज्यादा वायरल और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ये वीडियो है, इसलिए इसको यूट्यूब ने इसका यानी वॉच टाइम भी, भले इसके व्यूज कम हो या ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वॉच टाइम से फर्क पड़ता है कि हमारी वीडियोस पर कितना वॉच टाइम है। ज्यादा वॉच टाइम होगा तो यूट्यूब उसको सबसे पहले यानी रैंक लिस्ट में रखेगी। तो ये सबसे पहली वाली जो वीडियो है उसको ओपन कर लें। तो ये जब ओपन हो जाएगी तो इस तरीके से यहां पर साइड में जो इस वीडियो के अंदर टैग्स हैं वो यहां पर शो होंगे, कि ये जो टैग्स इसमें ऐड हैं कि सर तैमूर ने क्या क्या इसमें टैग ऐड किए हैं, और जो शो यानी शो सर्च रैंक रैंकिंग, यानी जो रैंकिंग यानी सबसे ज्यादा हाई और सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टाइटल हैं और टैग्स हैं वो कौन से हैं, इसमें हम जब शो करेंगे तो वो भी इसमें शो हो जाएंगे। कि अब देख लें इसमें सब कुछ शो हो चुका है कि हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, अगर कोई इस टाइटल को लेकर सर्च करेगा तो सर तैमूर की जो ये वीडियो है ये चौथे नंबर पर आएगी, और तैमूर परदेसी जब लिखेंगे तो ये 13वें नंबर पर आएगी। हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल लिखने पर आपने देखा कि सर तैमूर की ये वीडियो सबसे पहले नंबर पर आए। तो इसमें डिफरेंट टैग्स हैं जो आप देख सकते हैं, और आपने यहां से यूं नहीं करना कि सिंपली कॉपी करके और वहां पेस्ट कर दिए। तो इसमें इनमें और जो ये टाइटल्स हैं इसको भी इस तरीके से नहीं करना कि यूं कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, इसमें सिंपली एक हाइड इनके जो वीडियो का लिंक है वो इसमें मौजूद होता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है यूट्यूब की तरफ से। सारा काम आपको कॉपी पेस्ट से नहीं होगा, आपका सारा काम कॉपी पेस्ट से नहीं होगा, आपके हाथ मुबारक को थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और वो जो सारे टैग्स और वीडियो का टाइटल है मैन्युअली हाथ से टाइप करना ही पड़ेगा। और अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं अपनी वीडियोस के अंदर के किस तरीके से मैं टैग्स यूज करता हूं और क्या कुछ है। हालांकि मेरी वीडियो पर व्यूज अभी बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, और तो सारा इसके अंदर फिर भी किस तरीके से मेरे वीडियो के जो सर्च हैं वो सर्च रिजल्ट में आते हैं, जो कीवर्ड हैं वो सर्च रिजल्ट में आ ही जाते हैं। तो मैं कोई आपको वीडियो दिखाता हूं, अब इसको नहीं, इसमें तो सर तैमूर और शेर गनी भाई का वो है इस बिना पे, ये तो इसको तो रैंक होना ही था। तो ये जैसे मैं एक अपनी ये जो टेक टॉक की वीडियो है ये मैं ले लेता हूँ, कहाँ जा रहे हैं ये माउस भी सही साथ नहीं दे रहा। हाँ ये मैं एक वीडियो अपनी ले लेता हूँ, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है इसलिए मैं जल्दी से अपनी बातों को समेट रहा हूँ। तो अब ये जैसे मैंने टिकटॉक बनाई थी, इसमें जो मैंने न्यूज़ देनी थी, जो मुझे टेक्निकली बात करनी थी, उसके भी जो मैंने टाइटल है वो इसके अंदर सिंपली ऐड किए। अब ये जो मेरा है फेसबुक कॉपी टिकटॉक, यानी फेसबुक ने कॉपी किया है टिकटॉक जैसी एक ऐप बनाई है, तो अगर कोई ये सर्च करेगा तो मेरी ये वीडियो पहले नंबर पर आएगी, और ये सर्च करेगा, ये सिंपली एक ही है, और टिकटॉक एपिसोड 04 ये सर्च करेगा तो दूसरे नंबर पर आएगी ये वीडियो।
तो इसके अंदर मेरे ये तीन कीवर्ड रैंक हुए हैं, यानी ये सबसे पहले नंबर पर आएंगे, ये दूसरे नंबर पर आएगा टेक टॉक वाला, और मैं दूसरी कोई एक और वीडियो दिखाता हूँ। यार नेट है ना स्लो है बिल्कुल भी। तो ये मेरी वीडियो जो है टिकटॉक का एपिसोड जो 3 है, तीसरे नंबर का है, इसका जो टाइटल कोई सर्च करेगा तो ये मेरी वीडियो सबसे पहले नंबर पर आएगी, हालांकि इसमें भी इतने व्यूज नहीं हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, पहली वाली में मैंने आपको नहीं दिखाया, मैं भूल गया कि उसका एनालाइज करके दिखाता मैं कि उस पर कितने मतलब व्यू आए, कितना वॉच टाइम आया है। और गूगल सीओ ये वाला कीवर्ड दूसरे नंबर पर आएगा सर्च करने में, और टिकटॉक का एपिसोड तीसरा तीसरा ये चौथे नंबर पर आएगा। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ एनालाइज के, इस पर हालांकि इतने व्यूज नहीं है लेकिन वॉच टाइम जो है इसका वो कितना है और क्या कुछ है वो सब इसके अंदर एनालाइज में आ जाएगा। और जब आप ट्यूबबडी इंस्टॉल कर लेंगे उसमें भी ये सब कुछ मोबाइल के अंदर भी आता है, और उसमें टैग वैग ये सब कुछ शो हो जाते हैं जो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरी 7 मिनट की वीडियो है, इस पर 21 व्यूज आए, लेकिन इसका जो वॉच टाइम है वो 85 मिनट है, 85 मिनट है इसका ये जो वॉच टाइम है इसका। ये आप ग्राफ देख रहे हैं कितना ऊपर गया है। और ऑडियंस रिटेंशन यानी मेरी वीडियो को मतलब 54% देखा गया है, 100% मतलब एक लगा लें तो उसमें से 54% 7 मिनट की वीडियो है, तो उस पर यानी पूरे 4 मिनट तकरीबन का वॉच टाइम आया है इसके ऊपर। ऑडियंस रिटेंशन इतनी है, यानी कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, यानी ये चीजें देख के यार थोड़ा सा ना खुशी होती है कि लोग थोड़ा बहुत देख रहे हैं। एक मेरा भाई है, उसने मतलब अच्छी बात ही की कि यार आप कुछ आपके व्यूज बढ़ जाएं, कुछ चैनल ग्रो हो जाए तब ऐसी वीडियोस बनाया करें। तो यार उनको भी मैं बताता हूँ यार ये अब देख लें कि इतने अच्छे अच्छे आप जैसे भाई व्यूअर हैं, जब सब्सक्राइबर हैं तो उनके लिए यार कुछ करना पड़ता है। जब आप इतना अच्छा अच्छा वॉच टाइम मुझे दे रहे हो तो यार मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना, कि आपकी MB भी तो फजूल की नहीं है कि मैं कुछ भी कचरा बना के डालता जाऊं और अपना वॉच टाइम पूरा करने की कोशिश करूं। तो ऐसे नहीं है, आपका भी कुछ फर्ज बनता है। इंप्रेशन 1.4 आया, और ये जो ये मुझे नहीं पता क्या होता है 791, यूनिक व्यूअर 15, 22 में से ये 21 22 व्यूज जितने भी हैं इनमें से 15 बंदों ने मेरे वीडियो को फुल देखा है, यानी फुल वॉच टाइम मुझे दिया है। और इस बिना पर अच्छा इसका वो आया, नोटिफिकेशन से मेरी वीडियो 49% देखी गई है। ब्राउज फीचर यानी YouTube का जो ब्राउज फीचर है, खोलते यानी YouTube ओपन करते ही जो सामने वीडियोस होती हैं उससे 18%, YouTube सर्च के अंदर यानी सर्च करेगा तो 16% मेरी वीडियो के आने के इम्कानात हैं। सजेस्टेड वीडियो में यानी किसी ने कोई मेरी वीडियो देखी उसके बाद मेरी वीडियो ये आती है, चैनल पेजेस में मतलब ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको दिखाया यार, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा। और आपने इतनी देर मेरी वीडियो को देखा, बोरिंग वीडियो थी यार, कोई अगर कोई अच्छी बात इसमें लगी हो तो इसी बहाने वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।